ओके सो वन ओके सेकेंड मैम, आई विल कम इन वन सेकेंड ओके फ्रॉम ओके 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 Yes, ma'am. Yes. So, yesterday we were talking about at last about solar and lunar eclipse, right? So, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? So, lunar and solar eclipse. So, ये किस एक तो ये कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडोज इन नेचर, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडोज इन नेचर, ठीक है, राइट? बिकॉज सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या होता है कि जो नेचर जिसमें शैडो डालकर सन मून और अर्थ में जो की शैडो डाल रहा है जिसकी वजह से वो छुप जाता है एक और हमें कुछ चीज नहीं दिखती है ना, तो ये फॉर्मेशन ऑफ शैडोज हैं नेचर में, ठीक है? सो लूनर एक्लिप्स इज कॉज्ड ऑन अ इसमें क्या होता है, सो जब सन और मून के इन बिटवीन अर्थ आ जाता है, राइट? सो इसमें क्या होता है, अर्थ कास्ट्स इट्स शैडो ऑन मून. सो अर्थ क्या करता है, अर्थ कास्ट इट्स शैडो शैडो ऑन ऑन द मून, ठीक है? सो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन और मून के इन बिटवीन अर्थ आ जाता है और अर्थ अपना शेडो कास्ट करता है मून पर, तो हमारी लूनर एक्लिप्स होती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की. सोलर एक्लिप्स इज caused on a certain new moon's day when the
the moon comes in between the sun and earth. तो इसके अंदर क्या होता है? सन और अर्थ के इन बिटवीन क्या आ जाता है? मून. ठीक है. आस्क अ क्वेश्चन. यस नविष्ठा. व्हाट इज अ मैस्टरोइड कम्स बिटवीन एंड कास्ट द शैडो देन व्हाट विल कॉल दैट? व्हाट आर यू सेइंग? Mom, if any asteroid comes between the Earth and Sun, then maybe an eclipse will cast or not? जब asteroid Earth के और Sun के in between आ जाते हैं, right? यही पूछ रहे हो? Okay. So अभी हम उसकी बात करेंगे. अभी ये वाला मेरे को जैसे complete करते हैं ना, अभी करते हैं हम उसकी बात. अभी करते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है? सो मून casts its shadow on earth. ठीक है. इसमें तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और लूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है. ठीक है. ओके मैम. ओके. तो तुम क्या कह रहे हो कि अगर सन और अर्थ के बीच में एस्ट्रॉइड आ जाए? हाँ नविष्ठा. यस मैम. ओके. अभी बताती हूँ. अगर सन और मून इनके बीच में एस्ट्रॉइड आ जाए, ठीक है, ये है सन और मून कह रही हूं, अर्थ, और ये है मून, और इसके बीच में आ जाए एस्ट्रॉइड. सो ये ऐसा ना एक बार हुआ था कि जो साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट कि अ स्मॉल चंक ऑफ मून, ठीक है, मून इज ट्रैकिंग द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. तो उस एस्ट्रॉइड को हम बोल रहे थे कैमोइलिवा, और ये 2016 में हुआ था ऐसा, पर उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं. वो भी एक फ्रैगमेंट आया था मून, मतलब फ्रैगमेंट था, पूरा नहीं था. इसका मैं तुम्हें सही से आंसर दूंगी, बिकॉज अभी मुझे भी नहीं इसका पता चल रहा कि हाँ करेक्टली क्या होता है. ठीक है, इसका आई टेल यू. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें लाइट के. हाँ यस मैम यू कैन.
मैं इसका आंसर तुम्हें कल में देती हूँ, ठीक है, कि एस्ट्रॉइड अगर सन और मून के, अर्थ और सन के बीच में आ जाए, राइट, कल देती हूँ मैं इसका आंसर. सो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. सो ट्रू फॉल्स, पहले क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स. सो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन है द मून इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ट्रू और फॉल्स? क्या मून नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है? नो मैम. यस, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज सेल्फ ल्यूमिनस. फॉल्स. यस. नेक्स्ट, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन ओपेक मीडियम. Can we see an object through an opaque medium? No, ma'am. Yes. No. Next is light passes through glass. Ma'am, can I ask you a question? Yes. Ma'am, is a net a opaque object? Is? A net opaque object. Which net? Ma'am, fishing net which has holes in between. Oh, net is not an opaque object because net के through तो कुछ parts है ना जहाँ से light pass हो जा रही है, because वो पूरा तो opaque. कौन से होते हैं opaque? Are those objects कि जो बिल्कुल भी light को pass नहीं होने देंगे, ठीक है? तो हम net को opaque object नहीं कह सकते. Okay ma'am. Right? क्योंकि net क्या होता है? Net तो ऐसे बना होता है, राइट, उसके बीच में स्पेस है जहां से लाइट पास हो सकती है, राइट? हाँ, तो नेट को हम नहीं कह सकते ओपेक ऑब्जेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, की लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ट्रू और फॉल्स? यस मैम, ट्रू. इट इज ट्रू. यस. नेक्स्ट इज, इमेज फॉर्म इन अ पिन होल कैमरा इज रियल? नो मैम, फॉल्स. नेक्स्ट इज, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा गेट्स ब्लर्ड इफ होल इज मेड बिगर. जो तुमने पहला उसका आंसर दिया ना, कि इमेज जो हमारे पिन होल कैमरा, पिन होल मतलब बिल्कुल पॉइंटेड जहां पे बहुत कम स्पेस हो, उससे जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी, ठीक है? और जैसे ही ये पिन होल कैमरा बिगर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इमेज फॉर्म जो होती है वो ब्लर हो जाती है, ठीक है? सो द इमेज इन अ पिन होल कैमरा gets blurred if the hole is made bigger. So ये क्या है, true, कि ऐसा होता है कि अगर पिन होल कैमरा बिगर होगा तो ब्लर इमेज आएगी, और अगर पिन होल कैमरा से इमेज फॉर्म होगी तो वो रियल होगी, ये ट्रू है, ठीक है? Okay, ma'am. Next है, a shadow is formed because light travels in a straight line path. वी नो दैट कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी तो शेडो फॉर्म होगी, राइट? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द मून. हाँ, नहीं, ओके नहीं, ट्रू या फॉल्स बताना है कि अगर, हाँ मम्मी, आई डिडंट गेट दिस. ओके, आई विल टेल यू, कि अगर हमारा जो सन है वो अर्थ और मून के इन बिटवीन आ जाता है,
So, is it solar eclipse? Is it true or false? False. False. So it is not true, right? Next, if the shadow of Earth falls on the moon, the eclipse is called lunar eclipse. False. Why is it false? Because ये क्या कह रहे हैं? The shadow of Earth. मैंने क्या बताया था तुम्हें? लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ की जो शेडो है वो मून पर पड़ती है. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ द शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन मून द एक्लिप्स इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. सो यस इट इज ट्रू, राइट? राइट ना मिश्रा? इसमें सन टुडे आर नॉट फीलिंग वेल और व्हाट? नो मैम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव अ कोल्ड, दैट्स व्हाई. Cold, okay. Cold is not a big issue because you are, I mean, it seems like you are very lazy kind of. No, mama, I slept well. Okay. So now, Phillips. The sun is a dash source of light. Sun is dash source of light. Which source of light? Sun. Yes. It is man-made, natural, or what? Yes, Namishtha? Natural. Yes. So here it's a नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि सन की अपनी नेचुरल लाइट होती है बट मून की नहीं होती है. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज, आई एम नॉट राइटिंग इट, अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड द डैश. अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. We have three medium: transparent, translucent, and opaque. Right, Namishtha? Yes, ma'am. So, which of the three medium through which light cannot pass? Which one of them? Transparent, translucent. Yes, opaque medium. Next is a medium which allows light to pass through it easily. Yes, Navishtha, light cannot pass through opaque medium, right? Yes, ma'am. And light can easily pass through which type of medium? Ma'am, can you repeat? The question is a medium which allows light to pass through it easily is called transparent. So light can easily pass through transparent medium. Next is moon is a dash body, luminous or non-luminous? Non-luminous, because moon does not have its own light, right? Yes, ma'am. Yes. So now we'll do some of the questions, because so next is light travels. Light travels in a
dash path. How light travels in a zigzag or straight? Very good, straight line. So straight line path. Next. In pinhole camera, the image form is dash. What kind of image formed in a pinhole camera? Mama, reversed image. Inverted and real. Yes, ma'am. Inverted and real. Next is the darkest portion of shadow is called, what do we call the darkest portion of shadow and the less dark portion of shadow? What do we call the darkest portion of shadow, Namishita, and what is the name for the less umbra? Umbra. Umbra is for the darkest, and the less dark is less dark is, what do we call it? The other, what do we call it, Nishtha? Penumbra. Penumbra. So next is you have to select the correct option from the four option I'll tell you. So the question is, the natural source of light is A, candle flame, B, electric lamp, C, sun, fourth, kerosene lamp. The natural source of light. Now, Isha, which is the natural source of light? Mom, sun. Sun. So, answer, sun. Now, we'll do the question answer. So, question is, what is light? So, what is light? What is light, Namishita? Mom, light is an energy. It is a form of energy, right? Next question is, how does light make an object visible? So the question is, how does light make an object visible? So an object becomes visible to us when the light, after striking the object, reaches to our eyes. So, here is the light, right? Yes, ma'am. It strikes on the object.
okay, then it is passed to our eyes. Then we are able to see the object. So light itself is not visible. It makes the object visible to us. So light makes the object visible to us. Okay. So now next question is, name two natural source of light. Can you tell the answer, Navishka? What are the two natural source of light? Sun and stars. Yes, sun, stars. Two artificial source of light. Source of light. What are the two artificial source of light? Mom, torch and LED. Yes, electric bulb, torch. Okay. Now the question is, differentiate between luminous and non-luminous object bodies. So, what are luminous and non-luminous bodies? Non-luminous bodies are bodies which emit light, and non-luminous bodies are bodies which do not emit light. Right. So, luminous bodies which have light of their own, or non-luminous which do not have their own light. So हमारे luminous के example क्या है? Sun, torch. Sun, yes. Bulb, torch. और non-luminous के? एक तो moon, yes, stone. Planets. Chair, table, right? Yes, ma'am. Yes. So now next question is moon a luminous object? Is moon a luminous object? Yes, Navishtha? No, ma'am. So, no? Because it has
light of its own, right? उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती मून की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is transparent a transparent object medium object yes what is a transparent medium give two examples so yes what are you saying a transparent medium the medium which lets the light pass through it fully yes easily and examples What are the examples, Kanishka? Glass. Glass. Yes. Plastic. Water. Plastic. We cannot say because plastic sometimes some of the plastic are a mix of kind of material which doesn't allow light to pass. So plastic we cannot put in this. So glass, air, water. Okay. Yes, ma'am. Now next question is, differentiate. I'll write on next page. Difference between transparent. Objects, translucent, and opaque. So, transparent. Light can pass easily, right? Yes. Light can pass partially. Or iske andar. लाइट कैन नॉट पास राइट इसके एग्जाम्पल क्या थे हमारे ट्रांसपेरेंट के वॉटर ग्लास और एयर और इसके एग्जाम्पल ट्रेसिंग पेपर wax paper और ओपेक वाले ओपेक कौन से होते हैं वुड राइट कीबोर्ड कीबोर्ड यस कीबोर्ड यस नविष्ठा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज define a ray of light and a beam of light so a ray of light kya hota hai aur a beam of light kya hota hai So, ray of light क्या होता है light
ये हम कहते हैं इसको अरे ऑफ लाइट. सो लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट from a source. जैसे ये है हमारा point source और इससे जो इसको हम कहेंगे ये है बीम ऑफ लाइट, राइट. और ये लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं रे. ओके नमस्ता. यस मैम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट किसको कहते हैं हम? एंड लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. सो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके. व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ओके नविशा. ओके मैम. क्वेश्चन है नेम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है. प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो इसका हमें सिंपल एप्लीकेशन बताना है कि क्या होगा. तो द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा और फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड एक्लिप्स.
ओके ओके नविष्ठा, ओके मैम। Next is two factors which affect the size of image formed in a तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ इमेज। सो साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे हमें बताने कि साइज ऑफ इमेज कैसे, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पिन होल कैमरा में जो इफेक्ट कर सकते हैं साइज ऑफ इमेज को। तो पहला हो सकता है the distance of screen, right? Yes, ma'am. और दूसरा क्या हो सकता है? The distance of object. Right, Navishtha? यस नविष्ठा, यस यस मैम, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू, यस टेल मी। मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड। सी दिस इज द पिन होल कैमरा, राइट? Yes, ma'am. From which we are seeing. We can see through the pinhole camera. So, if the image is placed here, the distance is less, right? Yes, ma'am. So, the image would be formed in the, that would be formed in the pinhole camera is much clearer than at a distance, right? कि अगर ये distance को हम extend कर देंगे तो क्या होगा? इसलिए बोला है कि क्या factors affect करेंगे pinhole camera में picture को, कि उसका distance अगर वो pass होगी so कैसी image form होगी, और अगर वो दूर होगी, if the distance is more so image is not formed clearly, ठीक है? Yes, ma'am. तो ये थे, और अगर इसमें यही बोला है कि क्या दो फैक्टर्स हैं, तो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, अंडरस्टूड नविष्ठा? यस मैम। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज what is shadow and give reason for its formation. So, what do you understood by shadow? Shadow is an outline of an object. When an object doesn't let light pass through it, it's the reaction for it. Correct.
So when light cannot pass through an object, so the outline of the object formed is known as the shadow. So when light falls on an opaque object, right? The object would be opaque. That's why light cannot pass through it, right? Yes, ma'am. Opaque object. So when light is passing on it, so it makes the outline of the object, right? Which it construct on the screen behind it. Yes, ma'am. Right? There should be a screen behind, then only the image can be formed, right? So it is necessary that this we have studied yesterday, right? That we should have a screen behind, that then only shadow can be formed. So next they are asking that give a reason for its formation. So this is because light propagates in straight lines. So if distance between object and screen is less, the shadow will be dark and smaller, right? If the distance is increased, shadow will be dim and larger. कभी आपने देखा है कि जैसे आपने ऐसे शेडो फॉर्म करते हुए अपने अपने मतलब कि डे टू डे लाइफ में ऐसे देखा भी होगा कि जो ऑब्जेक्ट पास रखा होता है उसका इमेज बहुत ही डार्क और क्लियर लेकिन छोटा होता है, और जो दूर होता है ऑब्जेक्ट उसका जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो डिम मतलब कि लाइट शेड और बड़ा होगा, राइट? So next question is, we have to state two difference between umbra and penumbra. So what are the two difference? Umbra is the portion of shadow where no light reaches from the source of light, right? Due to opaque object. And penumbra, it is the portion of shadow where a portion of light from a source of light reaches the shadow even in the presence of opaque object in between them. Or umbra mein kya hota hai? Completely dark hota hai aur iske andar less dark hota hai, right? Completely dark and less dark. Why is it that the birds flying in the sky do not cast their shadow on the earth? We do not see the shadow of bird flying high up in the air because in their shadow the umbra is absent and the penumbra is too large and too faint. ठीक है, क्या होता है कि umbra तो present नहीं होता जिसकी वजह से dark image बनती है, और पेनुम्ब्रा होता है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी इमेज बनती है कि वो तो समझ आया कि क्यों क्यों जब भी ऐसे बर्ड्स फ्लाई कर रही होती हैं और इनकी इमेज फॉर्म नहीं होती अर्थ पे, राइट? कि इनकी इतनी बड़ी इमेज बन जाती है कि वो फेंट हो जाती है, एंड इट इज नॉट विजिबल एज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन दैट इज अर्थ इज वेरी लार्ज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? क्योंकि वो तो आसमान में उड़ रही होती है इतनी ऊपर,
और अर्थ तक उनका इमेज पहुंचने में बहुत डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इमेज क्रिएट नहीं हो पाएगी. एक्लिप्स के बारे में यू नो, टेल मी लूनर एंड सोलर एक्लिप्स की कौन क्या. मून शैडो क्या बोल रहे हो नमिष्ठा? हाँ, लूनर क्या होता है? एक्लिप्स ऑफ मून. यस मैम. एक्लिप्स ऑफ मून. और सोलर क्या होता है? एक्लिप्स ऑफ सन. राइट? यस मैम. So now I think most of the question of this chapter is completed, and Navishtha. Yes, ma'am. So now this is, now should we start water chapter tomorrow? Okay ma'am, you can. Because tomorrow is 26th, right? So tomorrow we can start the chemistry chapter, right? Yes ma'am. Then you have exam on 28th, right? Yes ma'am. So today is 25, 26, 27. So you have 2 days, 3 days, 2 days in between from now for physics, right? Okay. And on 31st you are having chemistry, right? Yes, ma'am. So we'll complete it before then we can start either English or maths. Maths exam is over, right? Yes, ma'am. First only it got over. Yes. So in English, what all grammar chapters are coming? English is also done, na? No, ma'am. There are two type of English, grammar and literacy. Grammar is over. So grammar is over, na? Right. So we can focus on maths and bio chapter after chemistry, right? So tomorrow we will start water, right? Then we can focus on maths, the chapter which are left, which we have not done, and the bio chapters. Okay ma'am. Yes. Okay. So any problem in these chapter, in both the chapters, this light and the chapter which we did before? No ma'am. Okay, so just a second Navishtha. So we are just recalling what we have done today, then you can leave the class. So solar and lunar eclipse, you understood? So in lunar eclipse, Earth come in between the sun and moon and cast its shadow on the moon, right? And here in solar eclipse, between the sun and the earth comes the moon, and moon cast its shadow on the earth. Okay? Okay, ma'am. Ma'am, your voice broke for a second. But you understood what I said? No, ma'am, I didn't understand. I couldn't hear clearly. I was saying about solar eclipse. So, in solar eclipse, between sun and earth, moon comes. And in lunar, between sun and moon, earth comes. Right? Yes, ma'am. So, you can remember by the diagram which I made, by this diagram. So, you can remember. In solar, you remember S, M, E. So, sun, moon, earth.
right? S M E. And in lunar, S E M. Earth come in between sun and moon. Okay, this would be easier. Okay, Navishta. So now next we did the question answers. Okay. So I hope both the chapters are fine with you. You are fine with both the chapters. Okay. So we will meet tomorrow. Okay, Navishta. Yes, ma'am. Okay. All the best. But you have time for physics exam. Okay. Thank you. Okay. Bye.